हैदराबाद नगर निकाय चुनाव में बीजेपी के मैराथन प्रचार अभियान करने के दौरान योगी आदित्यनाथ द्वारा हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर किए जाने के ऐलान पर स्थानीय सांसद और AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर हमला बोला है। ओवैसी ने कहा है कि बीजेपी के लोग यहां का नाम बदलना चाहते हैं और यहां रहने वाले लोगों को पाकिस्तान, अफगानिस्तान, रोहिंग्या बताते हैं। वहीं उन्होंने आगे कहा कि 1 दिसंबर को मजलिस को वोट देकर इनके मुंह पर यहां की जनता तमाचा रसीद करेगी। बीजेपी के जितने लीडर्स हैं, मिनिस्टर हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, वो ये कह रहे हैं कि हैदराबाद का नाम बदल दिया जाएगा। मैं तलाब चिंचलम की आवाम से सवाल कर रहा हूं कि आप चाहते हैं कि हैदराबाद का नाम तब्दील किया जाए? क्या आप हैदराबाद का नाम भाग्यनगर रखना चाहते हैं? क्या आप हैदराबाद के नाम को हैदराबाद बरकरार रखना चाहते हैं? जब आप हैदराबाद के नाम को हैदराबाद बरकरार रखना चाहते हैं तो मेरी आपसे गुजारिश है कि बीजेपी को शिकस्त दीजिए, मजलिस को कामयाब करिए। ये कोई बिहार की तरह जो तुमने कामयाबी हासिल की कांग्रेस के खिलाफ, यहाँ पर तुम वो चाल नहीं चल सकते। यहाँ पर हम हर चाल को तुम्हारे समझते हैं और इंशाअल्लाह तआला पुराने शहर की आवाम, तुमने जो पुराने शहर की तौहीन की है, इसका जवाब यहाँ की आवाम 1 दिसंबर के दिन मजलिस के हक में अपना एक रिकॉर्ड डालकर इनके मुंह पर एक तमाशा रसीद करेगी। बता दे कि यह बातें योगी आदित्यनाथ ने ओल्ड सिटी के लाल दरवाजा में बोला था, जिसे ओवैसी की पार्टी के गढ़ के रूप में देखा जाता है।